रियासत मदीना के अंदर जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी वो उस तरबियत का समरा था कि वहाँ पर लोगों के रवैये मुस्बत थे। आज के दौर में एक तरबियत की कमी है, पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखें नौजवानों के अंदर ये जो नौजवान रिएक्ट कर रहा है ये किसी एक्शन के बाद रिएक्ट कर रहा है, और वो जो एक्शन है वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है या उस चीज़ को बेहतर समझ नहीं रहा। अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारा माशरा जो है वो बेहतर से बेहतरीन बन सकता है, उसके लिए हमें अपनी कोशिशों और काविशों को जारी रखना चाहिए। IRISS ने भी इसी चीज़ की एक आवाज़ बुलंद की है, वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन कोशिश कर रहा है, वो नौजवानों को इसी तरफ लेकर आ रहा है ताकि मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हो सके। जिस मुल्क के अंदर अमन होगा वो मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, जिस मुल्क के नौजवान पुरसकून होंगे और पुरअमन होंगे वो अपने मुल्क को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते।